ओके सो हाय हाय एवरीवन प्लीज कंफर्म इफ आई एम ऑडेबल चलिए फिर ओके हेलो एवरीवन अ वेरी वेलकम ऑल वेरी गुड मॉर्निंग ऑल सब लोग आते जाएं विल बी स्टार्टिंग द क्लास इन वन और टू मिनट्स मेक श्योर यू आर इन द सेशन चलिए सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल जैसा कि आपको पता है दिस इज द ऑन गोइंग आर्ट एंड कल्चर सीरीज एंड वी आर ट्राइंग टू कम्प्लीट जितनी ज्यादा डिटेल में हो सके उतनी ज्यादा डिटेल में आर्ट एंड कल्चर ओके मौरियन क्लास मॉरियन एम्पायर के बारे में कल बहुत सारी बात हुई थी गुप्ता एम्पायर के बारे में इससे पहले वाली क्लास में बात हो गई थी कुछ और पॉइंट्स हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में जो स्पेशल क्लास सेशन में होंगे दैट स्पेशल क्लास इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आई एक्सपेक्ट यू गाइज कि आप का ऐप डाउनलोड करके उस स्पेशल क्लास को अटेंड करेंगे आज दिन में दो बजे ठीक है विल बी डिस्कसिंग मोर थिंग इन डिटेल एंड टेम्पल आर्किटेक्चर ओवर देयर टुडे हेयर व्हाट वी हैव टू डू क्योंकि हमें आर्ट एंड कल्चर जल्दी से कम्प्लीट करना है इसलिए अभी हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर ठीक है इस्लामिक आर्किटेक्चर डिस्कस करना होगा अब इस्लामिक आर्किटेक्चर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ इस्लामिक आर्किटेक्चर को समझने के लिए देखिए जो एंशेंट और मेडिवल की क्लासेज जिन स्टूडेंट्स ने उतनी डिटेल में नहीं की हैं मेक श्योर मेक श्योर यू डू दैट इन डिटेल ठीक है make sure, make sure detail, और अगर टाइम नहीं है आई टोटली अंडरस्टैंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं मुझे कल भी फ़ोन आ रहे थे कल मैंने कम से कम चार कॉल तीन से चार कॉल अटेंड किए इन टोटल जो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि सर एग्ज़ाम आ रहा है सर अक्टूबर और एक्सटेंडेड डेट्स मिल गई हैं तो सर एक महीना मेंस पढ़ लें क्या या फिर पे लगे रहें तो अगर जिनको भी इस तरह का कन्फ्यूजन है पहले मैं एक मिनट लेके समझा दूं कि अगर आप इस वाले कन्फ्यूजन में हैं ठीक है थीके? कि भी अक्टूबर में एग्जाम चला गया है तो सौ दिन के आसपास मिल गए हैं तो क्या करें करें मेन्स का पढ़ लें थोड़े दिन फिफरी का पढ़ें इट्स ओ टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रिलम्स प्रिपरेशन ठीक है एक दो तीन चार ऐसे कुछ टेस्ट लगा लें एम वाले ओके एम वाले टेस्ट लगा के देख लें अगर आप और ज़रूरी नहीं है ठीक है सब जगह जहाँ से भी आपको टेस्ट अवेलेबल हो जरूरी नहीं है सिर्फ अन अकेडमी अकेडमी के लगाएं काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं लेकिन जहाँ से भी अवेलेबल हो वरीड वैरायटी के टेस्ट लगाइए ठीक है और टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है एवरेजली नॉट इन अ सिंगल टेस्ट एवरेजली अगर आपका स्कोर 200 में एम सी क्यू टेस्ट प्रैक्टिस में 110 के ऊपर 120 प्लस बन रहा है ठीक है देन यू आर फाइन तो अभी आप क्या कर सकते हैं यू कैन वेट फॉर वन मंथ ठीक है वन मंथ उसका मतलब वो कोई और वन मंथ नहीं अभी से ठीक है पंद्रह मई से पंद्रह जून तक आप एक महीना वापस से अपना ऑप्शनल वापस प्रिपेयर कर सकते हैं अगर एक सौ दस से कम बन रहा है तो डायरेक्टली फिर से प्री पे ही लगे रहिए क्योंकि अगर प्री नहीं होगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी ठीक है तो ये सिंपल सा जुगाड़ है समझने के लिए कि करना क्या है ठीक है अब यहाँ इसके आगे देखिए थोड़ी सी चीज़ें आगे क्या हो गया भाई अरे प्रीतम मैं आपके आंसर दे दूंगा स्पैम मत करो यार बहुत सारे लोग हैं क्लास में प्यारे प्रीतम प्रीतम प्रिय ऐसा ना करें ठीक है और भी लोग हैं क्लास में चलिए कौन सी दस में स्टार्ट कर सकते हैं क्या बिल्कुल आप जब चाहें तब स्टार्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री क्लासेस अटेंड करिए ठीक है अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो कैरी ऑन विद इट ठीक है और उसके बाद फिर एक लेवल के बाद यू कैन गेट इन टू टच और आप समझ सकते हैं कि क्या क्या और कैसे पढ़ना है चलिए आज का टॉपिक है इस्लामिक आर्किटेक्चर और उसी पर डिस्कशन करेंगे पहले वो समझने से पहले लेट मी गिव माई सेल्फ लाइक थोड़ा सा टाइम मेरा इंट्रो देख लीजिए इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट यू कैन रीड इट नीचे एक लिंक दिया है उस लिंक को जाकर फॉलो कर लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी दिन में दो बजे वाली फ्री क्लास के बारे में लेट्स ऑल्सो डिस्कस अ बेट अबाउट अन अकेडमी क्योंकि अन अकेडमी अपॉर्चुनिटी दे रही है हमें इस तरह से इंटरेक्ट करने की तो देखिए आज के लिए सिर्फ आज के लिए नाइनटीन ऑफ मे ठीक है आज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ अन अकेडमी लेके आई है कि जो इसी मेरे ख्याल से इसी कारण कारण से क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि ये डेट आगे एक्सटेंड हो गई है सो दे आर इंटरेस्टेड कि अभी सब्सक्रिप्शन लेके जल्दी से क्लासेस की जा सकती हैं क्या सो दोज़ हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट वो छः महीने का सब्सक्रिप्शन अगर अभी जाके तुरंत आज की डेट में लेंगे जी और ऑप्शनल मिलाकर तो उन्हें एक महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो उसका बेनिफिट आप अभी उठा सकते हैं उसके अलावा कोड हमेशा एस लगाएं और आपको डिस्काउंट बाकी तो मिल ही जाएगा डिस्काउंट भी मिल जाएगा दस बुक्स एन आपको आपके घर भेज देगी कोविड की सिचुएशन जैसे ही थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाए बिकॉज अदरवाइज हम नहीं चाहते कि भाई, के साथ आपको so sure सब्सक्रिप्शन okay? में एक्स्ट्रा तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिल ही रहा है इसीलिए क्योंकि हर बार एग्जाम आके बढ़ रहा है तो यू नेवर नो कि कब होगा एग्जाम तो भाई अगर थोड़ा सा है, तो एक थो रहती है कि मेरे एग्जाम तक मेरे पास सब्सक्रिप्शन रहेगा और जिन बच्चों को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वाली प्रॉब्लम है आपके लिए लिंक नीचे लिखा हुआ है अगर ऐसे भी लिंक नहीं है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है याद कर लो बी आई टी डॉट एल वाई बिटली ओके बिटली मैंने उस पर बना दिया है बी आई टी डॉट एल वाई स्लैश अन अकेडमी ओके अंडर स्कोर एस पी वाई टी ये मैंने डेवलप कर दिया है इसको जाके यूज़ कर लोगे इसमें ठीक है और अपना फॉर्म में डिटेल्स भर दोगे दो घंटे में फ़ोन आ जाएगा सब्सक्रिप्शन ले लेना परेशान मत हो 26 मई तक सब्सक्रिप्शन लोगे तब भी बेनिफिट्स मिलेंगे ठीक है 25 परसेंट डिस्काउंट आपको ऑप्शनल पे मिल जाएगा जीएस पे 10 परसेंट डिस्काउंट एस पी वाई से मिल ही रहा है तो आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन सतावन हजार रुपया मिल जाएगा दैट इज़ ऑल्सो वेरी चीप बिलीव मी इफ यू गेट इन टू टच विद एनी अदर प्लेस यू विल भी प्राइसिंग इज वेरी हाई सो मेक श्योर यू डू दिस एज सुन एज पॉसिबल चलिए ये बचेज स्टार्ट हो गए हैं वन यू गेट सम टाइम मेक श्योर यू स्टार्ट अटेंडिंग दीज बचेज ठीक है फ्री sure क्लासेस देख लीजिए और आइए आप शुरू करते हैं अपनी बात आ... Uh... सब्जेक्ट विल बी कम्प्लीटेड डिप्टी वी वी आर ट्राइंग टू डू इट विद इन दिस मंथ ओके हम इस मंथ के अंत तक इसको कोर्स खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मैंने थोड़े से टॉपिक स्पेशल क्लास में डाल दिए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अच्छा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर समझने से पहले पहले कुछ चीज़ें एकदम सिंपल से समझ लीजिए वापस एक बार रिवाइज कि भाई पहली बार आपको पता है कि जब पूरी तरीके से स्टैब्लिश हुई किंगडम इंडिया में इस्लामिक किंगडम तो इंडिया और इस्लामिक रिलेशन बहुत पहले से थे ठीक है सिक्स थर्टी टू ए डी के जस्ट बाद इंडिया और इस्लामिक रिलेशन डेवलप हो गए थे थ्रू केरला केरला अरेबियन पेनंसुला से जो ट्रेडर्स आते थे केरला की तरफ ठीक है चेरा डायनेस्टी के आसपास के एरिया में वो कनेक्शन उन्होंने बिठाया इस्लाम वहाँ पर डेवलप हुआ लोगों ने कई लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट भी किया बट दैट वॉज नॉट थ्रू इन्वेजन किंगडम कभी भी इस्लामिक वहाँ पर नहीं बने थे ठीक है मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर कब्जा किया ठीक है तब भी उनके पास किंगडम डेवलप करने का टाइम नहीं था लेकिन किंगडम कब डेवलप हुआ 725 सौ एडी के आसपास जब जुनेद ऑफ सिंध की एंट्री हुई ठीक है लेकिन जुनेद भी कभी सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि सिंध के ईस्ट में यानी अभी जिसको हम गुजरात नॉर्दर्न गुजरात और सदर्न राजस्थान कहते हैं उस एरियाज में प्रतिहाराज का कंट्रोल था ठीक है लेकिन ये वो टाइम था जब आप पहली बार इस्लामिक आर्किटेक्चर को डेवलप होता देखेंगे लेकिन उस समय के इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको अब नहीं मिलेंगे बैक देन द स्ट्रक्चर्स वॉट नॉट दैट बिग अब वो बड़े क्यों नहीं बने उसके दो तीन चार बड़े रीजंस हैं वो मैं आपको जेनरिक बता देता हूँ वो आपसे कोई पूछेगा नहीं पहली बार उस समय जो टेक्नोलॉजी थी कॉन्क्रीटिंग टेक्नोलॉजी वो काफी अच्छी नहीं थी कॉन्क्रीटिंग टेक्नोलॉजी अच्छी ना होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं बन पाई सेवन्थ सेंचुरी एट सेंचुरी में इसके अलावा इसके अलावा इट वॉज ऑलवेज वेरी इनस्टेबल कोई भी राजा कभी भी अटैक कर रहा था तो अगर बिल्डिंग्स बनाई भी गई तो उन बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया ठीक है और इकोनॉमिकली दैट इकोनॉमिकलीट द स्टेट्स वर नॉट दैट वेल ऑफ लड़ाइयाँ चल रही हैं तो आप पहले अपने आप को बचाने के लिए पैसा खर्च करोगे या बिल्डिंग बनाने के लिए तो सेवन्थ सेंचुरी एट सेंचुरी की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी इस्लामिक आइडियाज वाली अगर सिंध में रही भी होंगी तो उसके कोई नामो निशान मिले नहीं है ठीक है लेकिन एंट्री तो हो गई थी भाई ठीक है एंट्री तो हो गई थी देवर आ, पीपल फ्रॉम इस्लामिक फेथ वो जिन्होंने इन्वाइट किया था कहानी कैसे शुरू होगी बिल्डिंग्स बनाने की ठीक है सो लार्ज स्केल एक्टिविटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत में ही शुरू हुई अब दिल्ली सल्तनत के लिए मैंने आपको पहले से कहानी बता दी है कि भाई ग्यारह में बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तेरेन के बाद जब पृथ्वीराज हार गए मोहम्मद गूरी ने अपने ही एक मेमलुक को अपने एक स्लेव को जिनका नाम था कुतुबुद्दीन एबिक उनको अपॉइंट कर दिया एज द गवर्नर ठीक है कहाँ पे दिल्ली में ग्यारह सौ बानवे से बारह सौ छः के बीच में ये लिखना नहीं है ये आपको एंशंट में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है मैं बस रिवाइज़ करा रहा हूँ कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए इस्लामिक आर्किटेक्चर का ठीक है ग्यारह सौ बानवे से बारह सौ छः ठीक है ग्यारह सौ बानवे से बारह सौ छः तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने एज अ गवर्नर ऑफ़ गूर क्योंकि मोहम्मद गूरी गूर के थे एज अ गवर्नर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गूर दिल्ली को दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है उसको कंट्रोल किया कहाँ पे बैठ के दिल्ली में और लाहौर में बैठ के ठीक है इसके बीच में कई सारी इंस्टेबिलिटीज़ आई गूरी ने बख्तियार काकी को ईस्टवर्ड भेजा जब बख्तियार काकी ने बनारस को पहले लूटा उसके बाद फिर नालंदा और विक्रम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लूटा और जला दिया ठीक है इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ हुई तो ये पूरा जो फ़ेज़ था ये डिमोलिशन का फ़ेज़ था इस समय भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ सिर्फ बारह एडी के बाद बारह एडी क्यों क्योंकि बारह यानी छः यानि ट्वेल्व हंड्रेड में कुतुबुद्दीन एबिक ने कुतुबुद्दीन एबिक ने खुद को सॉवरिन डिक्लेयर कर दिया डिसोसिएटेड डिसोसिएटेड ही हिमसेल्फ फ्रॉम गूर ठीक है उन्होंने खुद को सॉवरिन डिक्लेयर कर दिया और सॉवरिन डिक्लेयर करने के बाद दिल्ली सल्तनत नाम की एक नई रियासत बन गई अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी रूलर कि अगर आपने सल्तनत बनाई है तो सल्तनत की कैपिटल बनानी पड़ेगी कैपिटल का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एक इंपॉर्टेंस होना चाहिए तो उसके लिए आप यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सर्टेन बिल्डिंग सर्टेन स्ट्रक्चर टू क्रिएट अ और ठीक है भाई अगर आप शहनजा हो आप बादशाह हो आप सुल्तान हो जो भी नामिनचर आप यहाँ यूज करना चाहें तो यू हैव टू कुछ आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आपकी बात कोई क्यों माने ठीक है अगर रोड पे घूमते हुए आपको मिल जाए कि ये कौन है ये हमारे प्रेसिडेंट हैं कहाँ जा रहे हैं ये जा रहे हैं सुबह दूध खरीदने तो आप इज्जत नहीं करोगे ना सो देर हैज टू बी समिंग और बिहाइंड द द इम्पॉर्टेंट पर्सन द सॉवरिन ओके द सो उसके कारण से अब आप देखते हो कि 1206 के बाद से कुतुबुद्दीन एबिक कुतुबुद्दीन एबिक जो हैं वो ऑर्डर देते हैं कि भाई एक कैपिटल का कैपिटल बनानी जरूरी है ये कैपिटल कहाँ बनती है ये कैपिटल वहीं बनती है दिल्ली में और दिल्ली में ही आप देखते हो अगर आप दिल्ली में हो अभी तो सदन साउथ दिल्ली जिसको हम कहते हैं वहाँ पर एक हमें कुतुब कॉम्प्लेक्स नाम की जगह मिलती है क्या मिलती है कुतुब कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आप कुतुबुद्दी जहाँ पे कुतुबुद्दीन एबिक जो है वो सबसे पहले कुतुब मीनार को बनाने का ऑर्डर पास करते हैं ठीक है कुतुब मीनार कुतुब मीनार का, का काम शुरू हो जाता है लेकिन इसी बीच में कुतुबुद्दीन अबिक की डैथ हो जाती है ओके सो कुतुब मीनार का काम किसने शुरू कराया कुतुबुद्दीन एबिक ने क्यों कराया ही डेडिकेटेड द होल मीनारत टू कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक सूफी सेंट थे ठीक है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस रहते थे, थे कुतुबुद्दीन ऐबक कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना नाम उनका नाम कुतुबुद्दीन नहीं था उन्होंने अपना नाम कुतुबुद्दीन इसीलिए रख दिया बिकॉज ही वॉज सो मच इम्प्रेस बाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ पे एक दो चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी सुन लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऑल्दो ही वॉज अ स्लेव टू मोहम्मद ऑफ गूर लेकिन मोहम्मद अफगूर के स्लेव होने के बाद भी वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इतने ज्यादा uh, मतलब इम्पॉर्टेंट थे कि ही बिकेम अ जनरल फर्स्ट ऑफ ऑल देन ही आल्सो अ फॉलोवर ऑफ सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार और काकी और इसके बाद आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर हिज दान दक्षिणा ठीक है लोगों में फिलेंथ्रॉफी करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे और इतनी ज्यादा पैसे वो बख्शीश में दे दिया करते थे लोगों को कि बैक इन दोज डेज ही कॉल्ड दो बख्श ठीक है ये बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है इसलिए मैं यहां पे बता दे रहा हूँ दैट कुतुबुद्दीन बख्तियार बख्तियारॉज कॉल्ड बख्श ठीक है फसीराज सिंह की इल्तुतमिश फिनिश कराएं नहीं इल्तुतमिश ने भी फिनिश नहीं कराया उसको कंप्लीट कुतुबुद्दीन बख्तियार कुतुबुद्दीन अबिक का जो काम था यानी कुतुब मीनार का काम था वो इल्तुतमिश ने फिनिश नहीं कराया अलतुतमिश ने उसके ऊपर दो फ्लोर और बनवाए पहला फ्लोर का काम जो था वो कुतुबुद्दीन अबिक के टाइम पे हो गया था देन ही दैन अवे इन ट्वेल्व हंड्रेड एंड टेल टेन उसके बाद अलतुतमिश पावर में आए 1210 से 1236 के बीच में लेकिन उन्होंने वो भी कंप्लीट नहीं करा पाए उन्होंने दो फ्लोर ऊपर ऐड किए फाइनल जो आप देखेंगे कुतुब मीनार वो आप देखेंगे तुगलक डायनेस्टी में जाके कम्प्लीट होगा कुतुब मीनार में पाँच मंजिलें हैं ठीक है पहली मंजिल सबसे बड़ी है उसके ऊपर छोटे उससे है उस टोटल पाँच मंजिलें हैं और लास्ट वाली जो है वो तुगलक डायनेस्टी में कम्प्लीट होगी तो ये मत गलती से कहिएगा कि इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया ठीक है ठीके? ये चीज याद रखिए चलिए तो ये एक जनरल बात होगी लेकिन अभी मैंने आपको दो मिनट पहले बताया कि जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी बड़ी अच्छी नहीं थी और अब मैं आपसे बता रहा हूं कि लोग कुतुब मीनार बना रहे हैं जी हां बिल्कुल क्योंकि टर्किश एंट्री इन इंडिया ऑल्सो ब्रॉड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज बेटर कॉन्क्रीटिंग मटीरियल ठीक है अभी जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल क्लास में याद रखिए दो बजे स्पेशल क्लास कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्लास है ठीक है नहीं समझ में आ रहा है अभी भी तो नीचे एक लिंक है अन अकेडमी इंडस्को श्वतांक उसको फॉलो कर दीजिए उसमें मैं लिंक डाल दूंगा एक पचास पे दो बजे की क्लास के लिए लेकिन ये समझ लीजिए कि बैक इन द डे बैक इन द डे आपके घर की सीलिंग कैसे बनती थी अभी तो एवरी वन नोज वेरी नॉर्मली कि अगर आप टायर थ्री सिटी में हैं तो हो सकता है जो ब्रिक्स होती हैं उनको रख के उसके बीच में सीमेंटिंग करके छोड़ दिया जाता है वो दस बारह दिन में सूख जाती हैं एंड दैट्स हाउ यू गेट योर सीलिंग ओके अगर आप थोड़े से अच्छे कंस्ट्रक्शन एरियाज में रहते हैं टायर वन सिटी में रहते हैं किसी बड़े बिल्डर ने आपकी बिल्डिंग बनाई है तो ही मस्ट हैव कॉन्क्रीटिंग मटेरियल प्रॉपर कॉन्क्रीट जो होता है वो फिलअप कर दिया जाता है वो सूख जाता है और उससे आपकी सीलिंग बन जाती है यही होता है ठीक है स्टील गर्डर्स के बीच में कॉन्क्रीट भर दिया जाता है दैट्स हाउ सीलिंग इज मेड बैक इन दो डेज दिस वाज़ नॉट द कंडीशन बैक इन 7th सेंचुरी एट सेंचुरी नाइन्थ सेंचुरी दिस वाज़ नॉट द कंडीशन एक स्टोन का मोनोलिथ लिया जाता था एक सिंगल बड़ा पत्थर का टुकड़ा लिया जाता था और उसको चारों दीवारों के ऊपर से ऐसे रख दिया जाता आपने कई बार लोगों के घर देखे होंगे जिसमें आप नीचे से देखते हैं तो पिलर्स लगी होती हैं और वह वुडन पिलर्स होते हैं वुडन पिलर्स वाले छत देखे होंगे वुडन पिलर्स वाले छत अभी 20th सेंचुरी तक यूज़ होते थे ठीक है कि अगर आप घर के अंदर भी बैठ के देखेंगे ऊपर की ओर तो आपको वुडन पिलर्स बीच में दिख जाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस सेक्शनल तरीके से ये क्रॉस सेक्शनल वुडन पिलर का जो कॉन्सेप्ट है ये सेवंथ एट सेंचुरी में ही आ गया था टू बैलेंस द वेट ऑफ द स्टोन तो पहले सेवंथ एट सेंचुरी में जो आपकी ऊपर की कॉन्क्रीटिंग नहीं की जाती थी एक स्टोन का स्लैब रख दिया जाता था जिसको आप मोनोलिथ कह सकते हैं क्योंकि एक सिंगल स्टोन का टुकड़ा होता था ठीक है नाउ बिकॉज ऑफ बेटर कॉन्क्रीटिंग मटीरियल जो कि अपने साथ टर्क्स लेके आए चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी ठीक है तो इसका क्रेडिट आप टर्क्स को दे सकते हैं ठीक है कि वो बेटर उनका जो कॉन्क्रीटिंग मटीरियल था वो बहुत अच्छा था अच्छा टर्क्स का बहुत सारा कंस्ट्रक्शन जो था वो दिल्ली में हुआ दिल्ली के बाद जो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का स्पॉट था वो था लाहौर ठीक है अच्छा अब इसको कहते हैं इम्पीरियल डिज़ाइन जितने भी आर्किटेक्चरल स्टेप्स लिए गए किसने लिए ये जो मेमलुक डायनेस्टी के लोग थे और मेमलुक के बाद फिर खिलजीज ने भी कुछ डेवलपमेंट कराया फिर तुगलक ने भी डेवलपमेंट कराया ठीक है ऑल दिस वाज डन बाय इन अ वे बाय द टर्क्स क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोधी के पहले जितने भी डायनेस्टीज हुई थी वो सब अपने आप को टर्किश ओरिजिन का ही मानती थी लोधी डायनेस्टी के पहले लोधी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी जिन्होंने अपने आप को अफगान डिक्लेयर किया ठीक है तो अगर कोई आपसे ऐसे अलग से पूछे तो ऐसे जनरली बता दीजिएगा कि वी ऑल्सो हैड अफगान रूलर्स फॉर अ टाइम बी ठीक है चलिए अब देखिए ये तो हो गया इंपीरियल ये मैं हमेशा बताता हूँ अगर आप सोशल क्लास अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो हो गया इंपीरियल आर्किटेक्चर मतलब जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है ना वैसे ही कुछ ऐसे अब जैसे आप पॉलिसीज जब पढ़ रहे होंगे तो आपने पॉलिसीज में पढ़ा होगा कि जी सर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से आपको आर्किटेक्चर भी डिवाइड करना है कुछ हैं जो कि दिल्ली में जो बड़े वाले शहनशाह बैठे हैं उनके इनिशिएटिव्स हैं वो इम्पीरियल आर्किटेक्चर का पार्ट है वो ज़्यादातर आपको दिल्ली में दिखेंगे या फिर ऐसे इलाकों में जो फॉर द टाइम बिंग कुछ दिनों के लिए सेंटर बना दिया गया था गिव मी वोमेंट एवरी वन जस्ट गिव गिविंग मोमेंट हाँ फाइन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे दूसरी तरह का आप देखेंगे तो इम्पीरियल यानी जो प्रोविंसेस हैं ठीक है तो भाई इस्लामिक स्टेट है उनके अपने अपने प्रोविंसेस भी हैं उन प्रोविंसेस में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ व्हाट इज़ दिस प्रोविंशियल स्टाइल ठीक है जैसे जौनपुर अपने लार्जेस्ट फेच पे आप जानते हैं जौनपुर एक बहुत बड़ी रियासत बन गई थी ठीक है जहाँ पे सिरकी डायनेस्टी का इस्टेबलिशमेंट था तो सिरकी डायनेस्टी वाली जौनपुर में एक अलग पूरे का पूरा आर्किटेक्चर है बंगाल में अलग आर्किटेक्चर है ठीक है गुजरात में अलग आर्किटेक्चर है मांडू में अलग अलग आर्किटेक्चर है और उसके बाद फिर हम मुगल और दक्कनी आर्किटेक्चर पर आएंगे तो पहले हम आ, आज की क्लास में एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि डेली सल्तनत और इंपीरियल प्रोविंशियल स्टाइल जो है उसको कंप्लीट कर लें ठीक है सो चलिए पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस पूरे की पूरी लेक्चर सीरीज के बारे में यहाँ से समझिए इस क्लास के बारे में कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है है मेथड मेथड व्हाट द एल इज देखो ये सबको पता है कि आ, इस्लाम का बेसिक फीचर्स में से एक है कि भाई आप किसी भी तरीके की आइडल वर्शिप नहीं करेंगे किसी भी तरीके की आइडल वर्शिप नहीं करेंगे जब आप आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते हैं तो सिंबलिज्म के भी ऑप्शन आपके पास कम हो जाते हैं ठीक है क्योंकि किसी भी चीज़ को सिंबलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसकी उसको ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर किसी एनिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए अब ना आप ह्यूमन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना उसको एनिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो आइडल वर्शिप में इंक्लूड हो जाएगा सो यू नीड समथिंग एल्स यू नीड समथिंग एल्स टू एक्सप्रेस योर डिज़ायर्स योर फीलिंग्स योर आइडियाज़ योर बिलीफ ठीक है अब वो आप क्या करोगे तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ की गई वो थी वेजिटेशन uh, और वेजिटेशन के बाद यहाँ पे डेवलप होगा कैलीग्राफी ठीक है वेजिटेशन और कैलीग्राफी तो अगर पहले आप देखते हैं जैसे कि आप पुराने इंडियन टेम्पल्स देखेंगे तो टेम्पल्स में आपको दीवारों के ऊपर इंट्रीकेट कार्विंग्स मिलेंगी और वो आपको एकदम डिटेल इंट्रिकेट कार्विंग मिलेंगी जिसमें आपको ह्यूमन बींग्स गॉड गॉड सब कुछ बनाए हुए मिलेंगे इस्लामिक आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ नहीं मिल सकता वॉल हैज टू बी प्लेन इन 99% ऑफ द केस ठीक है क्योंकि आप किसी भी तरीके का आइडल वर्शिप वाली बात हो जाएगी किसी भी तरह का आइडियल आइडल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते ठीक है सो वॉट ऑप्शन यू हैव नाउ क्या करोगे आप तो आप वहां पे पहले तो कैलीग्राफी कर सकते हो अप टू सर्टेन एक्सटेंट ठीक है आप, आप कोई आप तो आपने कुरान के कुछ सुरे लिख दिए जैसे कि आपको ताजमहल पे लिखे मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद आप क्या कर सकते हो उसके बाद आप जाली वर्क बहुत ज़्यादा कर सकते हो और ये जाली वर्क किस तरीके का है जो कि एरेबेस्क्यू मेथड से किया जाएगा वेंटिलेशन वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ओके दो टू थ्री थ्रिंग्स इन द इस्लामिक आर्किटेक्चर इज ऑल द रूम्स वर मेड इन अ बिग हॉल वे मैनर ठीक है तो हर एक रूम में बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता था और वेंटिलेशन की बड़ी अच्छी सुविधा होती थी ऐसा जो इंडियन टेम्पल होते थे चाहे नगरा टेम्पल हो या द्रविडियन टेम्पल हों उसमें यह फैसिलिटी नहीं होती थी नगरा टेम्पल और रविडियन टेम्पल में ये फैसिलिटी नहीं होती थी और आपको पता है जहाँ पे गॉड रखे होते हैं जहाँ पे भगवान की मूर्त मूर्त होती है ठीक है इंडियन टेम्पल्स में उनको कहते हैं गर्भगृह और वो हमेशा बहुत छोटे से रूम होते हैं द आइडिया इज़ टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव वूम वूम ऑफ मदर ठीक है तो इसलिए वो रूम बड़े छोटे होते हैं और वो चारों से डिस्कनेक्टेड uh, होते हैं पूरी तरह से बंद होते हैं उसमें कोई खिड़की नहीं होती है एक्सेप्ट वन मेन गेट जिसके थ्रू आप बाहर निकल सकते हैं और मंडपा एरिया में जा सकते हैं इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है इस्लामिक आर्किटेक्चर ज्यादा वेंटिलेशन बिग रूम बिग हॉल एंड हॉल आर ऑलवेज क्रिएटेड इसके पीछे भी इस्लामिक रिलीजियस आइडिया है बिकॉज इस्लाम जब डेवलप किया गया था तो इट वॉज डेवलप्ड विद द आइडिया ऑफ कम्युनिटी ओरिएंटेशन ठीक है तो सेंस ऑफ कम्युनिटी हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है तो चाहे साथ में आप जब बाद में मस्जिदें बनी तो नमाज अदा करने के लिए कम्युनिटी का सेंस हो तो आपको बड़ा हॉल चाहिए या फिर आप डिस्कशन के लिए रूम बना रहे हो या किसी और काम के लिए रूम बना रहे हो यू नीड बिग हॉल्स ठीक है और यहां पर उनके साथ डिजाइनिंग में जब आप बिग हॉल और वेंटिलेशन की बात करोगे तो द ओनली गुड वे ऑफ वेंटिलेशन इज दैट यू हैव बिग विंडोज अब विंडोज में आपको आपको एक उसकी वॉलिंग भी चाहिए लेकिन वो वॉलिंग इतनी आइसोलेटेड भी नहीं होनी चाहिए कि पूरी बंद हो जाए तो आप दो मेथड यूज कर सकते हो या तो एरे मेथड या तो जाली मेथड अब देखो जाली मेथड इज समथिंग एकदम सिंपल सा कि आप ऐसे कर लो ठीक है नेटिंग कर दिया आपने नाउ दिस इज जाली नाउ एक सिंपल सी इकोनॉमिक्स ही बात आ जाती है कि अगर आप एरेबेस्क्यू मेथड बनवाओगे तो इट विल बी फार 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 मोर कॉस्टलियर देन द जाली मेथड एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि पीपल ऑलवेज वेंट फॉर जाली मेथड इन नॉर्मल पीपल कॉमनर्स ठीक है सो अगर आप पुरानी दिल्ली में अभी भी चले जाओ ओके okay? पुरानी दिल्ली में आप अभी भी चले जाओ जिसको शाहजहानाबाद वाला एरिया कहते हैं तो जैसे कोविड हटे एंड यू इफ यू आर इन डेली यू कैन गो तो पुरानी दिल्ली ठीक है और वहाँ पे आप देखोगे तो जो कॉमन लोगों के पुराने मकान हैं अभी भी बहुत सारी कोठियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पे आपको जाली का वर्क मिल जाएगा लेकिन जैसे ही यू विल एंटर इन टू लाल किला रेड फोर्ट ठीक है जितना भी पुराना आर्किटेक्चर है जितना भी पुराना आर्किटेक्चर बचा हुआ है क्योंकि बहुत सारा आर्किटेक्चर एटीन की वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने गिरा दिया था और वहाँ पर उन्होंने अपने कैंटोनमेंट्स जैसे कैंप्स बना दिए थे ठीक है तो लाल किले के अंदर भी बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर जो है वो गिरा दिया गया था ब्रिटिशर्स ने में हटा दिया था उसको लेकिन जो बचा हुआ है वहां पर आप देखोगे तो वहां पर आपको ये मेथड दिखेगा सारे के सारी विंडोज के लिए ठीक है तो चलिए ये चीज समझ में आ गई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नेहा इज टोटल मेडिवल खत्म मेडिवल तो पढ़ा ही नहीं रहे मैं तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ मेडिवल की क्लासेस तो हो चुकी हैं ठीक है चलिए Uh, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आप पहली बार आर्क और डोम्स का यूज़ देखेंगे ठीक है जो कि इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई इंट्रोड्यूस ऑफ मीनारत अराउंड द मॉस्क देखो मीनार बनाने का मतलब क्या है देखो मीनार बनाने के पीछे जो रीज़न दिया जाता है वो हमेशा ये होता है दैट यू नीड यू नीडेड अ हाइट एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे कोई चीज़ हाइट पे हो और उस हाइट से आप अनाउंसमेंट कर चके लोगों के इकट्ठा होने के लिए कि भाई नमाज अदा करने का टाइम हो गया नमाज करनी है ठीक है बट इट हैज़ बीन लेटर ऑन ऑब्जर्व कि भाई अगर आप मीनार के ऊपर चढ़ के चिल्लाएंगे तो बहुत दूर तक आवाज़ उस तरीके से नहीं पहुँचती जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट मीनार इनिशियली बनाने का रीज़न वही था ठीक है मोटार्स वर यूज टू सीमेंटिंग एज अ सीमेंटिंग एजेंट तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोटार वर डेवलप और इसी कारण से आप यहाँ पे देखोगे कि जो इस्लामिक कर्व्स हैं कर्व्स इन द सेंस जो बिल्डिंग में uh, दरवाजों में शेप दिए जाते हैं ठीक है थीके? वो भी पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन और एनिमल के फिगर्स जो हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया ह्यूमन और एनिमल के फिगर्स आप बाद में uh, जहांगीर के टाइम पे जहांगीर के टाइम पे मुगल एम्पायर में थोड़े बहुत आप देखोगे लेकिन नॉट एन एक्सटेंसिव यूज ठीक है सिर्फ आ, जो बादशाह थे मुगल बादशाह उनके उनका जो पर्सनल पेंटिंग हाउस था ठीक है तस्वीर खाना कहते थे उसको उसमें आपको कुछ ह्यूमन और एनिमल्स के फिगर्स मिल जाएंगे लेकिन बादशाह ने कभी भी पब्लिकली उसको शो ऑफ नहीं किया बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो वो पब्लिकली उसको नहीं दिखा सकते थे ठीक है सो इसलिए आपको जहांगीर के टाइम पे आपको ज़बरा डंकी हॉल्स इस तरह के जानवर की बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स मिल जाएंगी ठीक है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उनके कह दो तो कि सर ये तो आपका इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट जा रही है ठीक है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये सो साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और इसी पे यूपीएससी आपको फंसा देगी ठीक है कि जहांगीर के टाइम पे जो थे वो इमेजेस बनाए गए थे एनिमल्स के और खास करके ज़बरा वाली इमेज बहुत फेमस है ठीक है बिल्डिंग हैज इंडिकेट जाली वर्क सिग्निफिकेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन इस्लामिक रिलीजन तो जैसे मैंने बोला विंडी और लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस एंड ब्रीदेबल आर्किटेक्चर जैसा कि मैंने अगेन बोला कि इंडियन आर्किटेक्चर गर्भगृह के एग्जैक्टली अपोजिट स्पेशियस और बिग हॉल नुमा चीज़ उसका सबसे बड़ा रीजन था कम्युनिटी का सेंस और अल्टीमेटली अरेब एसक्यू मैथर्ड जो मैंने आपको रीजनिंग दे दी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे इसके अलावा कैलीग्राफी और ड्यूरे टेक्निक ठीक है और चारबाग मेथड ये तीन चीज़ें आपको डेवलप होती मिलेंगी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में अच्छा ये जो चार बाग मेथड है ये दिल्ली सल्तनत में डेवलप नहीं हुआ था दिस डेवलप्ड ओनली इन द मुगल पीरियड ठीक है दिस डेवलप्ड इन द मुगल पीरियड चार स्टाइल बहुत सिंपल है बेसिकली क्या करते हैं कि देखो ये अगर आपका आपका स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है उसको आपने चार पार्ट में से डिवाइड कर लिया ठीक है और बीच में आपने क्या किया वाटर वे बना दिया ये जो लाइन बनी है रेड वाली बीच में इस पर आपने वाटर वे बना दिया इसी पे ठीक है इस लाइन पे ही आपने वाटर वे बना दिया अब इस वाटर वे से ये जो एरिया है ये इरिगेट हो जाएगा और यहाँ पे आप गार्डन डेवलप कर सकते हैं इस एरिया में भी इस एरिया में भी और साथ में इसी वाटर के बगल में आप पाथवे भी बना देंगे आने जाने के रास्ते और पूरे के पूरे गार्डन को आप चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो गार्डन को क्या कहेंगे बाग और आपके पास कितने बाघ हो गए अब चार और इसलिए आप उसको कहेंगे चार बाग ठीक है रेड फोर्ट के अंदर भी जो गार्डन है वॉट शेप इट इज इट इज चार बाग गार्डन ठीक है तो यही तरीका यूज किया जाता था मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे इन मुगल टाइम्स ठीक है यूज ऑफ द वाटर इन द प्रमाइज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्सेसिवली और लेकिन ये चीज याद रखें कि वाटर का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक और परफेक्ट तरीके से किया जाता था एक्सेसिव वाटर कहीं भी खराब नहीं किया जाता था ठीक है पेट्रिया डूडे टेक्निक फॉर द इनले ऑफ़ प्रीशियस कलर्ड स्टोन एंड जेम्स इन टू द वॉल्स ऑफ द डेकोरेशन अब देखो ये ताजमहल से आपको पता चलेगा देखो ताजमहल में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो गायब हो गई हैं बहुत सारे लोगों को तो अब पता भी नहीं है जैसे कि ताजमहल में पहले दो चांदी के दरवाजे थे ठीक है ताजमहल में दो चांदी के दरवाजे थे जो कि एटीन सेंचुरी में जो लोकल रोहेलखंड के आसपास के जाट थे वो जाट रूलर्स थे वो आए और लूट के लेके भाग गए ठीक है तो फुल फ्लेज बड़े बड़े चांदी के दरवाजे भी थे ताजमहल में इसी तरीके से ताजमहल में पहले कालीन बिछी होती थी ठीक है अभी नहीं लेकिन एटीन सिक्स एटीन फिफ्टी सेवन तक ताजमहल के अंदर कालीन भी बिछी होती थी ठीक है ताजमहल 1857 एटीन फिफ्टी सेवन के रिवोल्ट के बाद वो कालीन जो थी वो कुछ कालीन लेके अंग्रेज़ भाग गए ठीक है ऐसा कहा जाता है कि कुछ कालीन एटीन uh, नाइन तक पड़ी हुई थी ताजमहल के अंदर जिसको देखकर लॉर्ड कज़न ने बाकी जो कालीनें थी वो अंग्रेजों से वापस भी मांगी जिन अंग्रेज जो अंग्रेज 1857 के बाद वो कालीन लेके भाग गए थे उनसे कारपेट्स के लिए लॉर्ड कज़न ने उनको लेटर भी लिखा कि भाई दिस इज़ काइंड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था लेकिन लॉर्ड कज़न ने उनको लिख के बोला कि भाई दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इफ़ पॉसिबल आप हमारी कारपेट को वापस कर दें हम वापस ताजमहल में लगाएंगे किसी ने कारपेट वापस नहीं किया और फिर जो बचा हुआ कारपेट था वो भी लंदन म्यूजियम को भेज दिया गया ठीक है सो पहले कारपेट भी होते थे अच्छा कारपेट और जो ये चांदी वाला दरवाज़ा है ये तो मिलेगा नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा और इसके निशान भी अब नहीं मिलते तो पता भी नहीं चलता लेकिन लेकिन अगर आप ताजमहल जाएंगे तो आप दीवारों के बीच में ठीक है जिस तरीके की जो ये प्लांट्स के शेप बने हुए हैं ठीक है थीके? और वो भी किस तरीके से पीट्राड्यूरे टेक्निक से ठीक है अंदर कार्विंग करके इंट्रीकेट कार्विंग करके उसमें आप कलर भर देते हैं ठीक है तो वो जो कलर भरी हुई स्पेशज हैं उसके बीच में आप अभी भी कई स्पॉट्स देख सकते हैं ठीक है खाली इनर इनर शेप में स्पॉट्स वो स्पॉट्स कैसे स्पॉट्स हैं दो स्पॉट्स आर वेरी स्पेसिफिकली डिजाइन कि वहाँ पे आप कोई जेम स्टोन फिट कर सकते हो इसका मतलब क्या है इसको देख के आप बता सकते हो यहाँ पे जेम स्टोन्स लगाए गए होंगे उसको भी कोई ना कोई लेके भाग गया ठीक है अब जेम स्टोन्स जो है उसको बहुत सारे लोग लेके भागे ठीक है 1857 के बाद से बहुत सारे लोग जेम स्टोन ले भाग गए देर हैव ऑल्सो भी इन स्टेस एटीन के पहले भी कुछ मुगल जो थे वो खुद ही जेम स्टोन्स भाग गए थे तो ऐसे भी कुछ कहानियां पता चली हैं ठीक है थीके? लेकिन आपको बस अभी यह पढ़ना है कि ड्यूरे टेक्निक के थ्रू जेमस्टोन्स लगाए जाते थे और इसका सबसे एक्सटेंसिव एग्जाम्पल जो है वो ताजमहल है नंबर वन और दूसरा है रेड फोर्ट के अगर अंदर आप जाएंगे ठीक है रेड फोर्ट के अगर आप अंदर जाएंगे तो जो दीवाने खास की इमारत थी दीवाने खास ओके उसमें भी बहुत सारा जेमस्टोन लगा हुआ था जो निकाल लिया गया खैर रेड फोर्ट के अंदर दीवाने खास में अगर आप देखेंगे तो पहले जो पूरी सीलिंग होती थी वो चांदी की होती थी ठीक है बाद में जब मुगल शहनशाह के पास पैसे कम हो गए तो चांदी की सीलिंग हटवा के उसको कॉपर की सीलिंग करा दी गई बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कॉपर भी निकाल के बेच दिया ठीक है और अब वो खुली छत है ठीक है नॉर्मल सीलिंग है पत्थर की ठीक है सो इस तरह से वन स्टेप बाय वन स्टेप इरेड आउट कर दिया गया पूरे का पूरा इरेज आउट हो गया ठीक है यूज़ ऑफ फोर शॉर्टनिंग टेक्निक इन द बिल्डिंग हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली ठीक है और यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन अपियर टू बी क्लोजर देन दे रियल का मतलब यही होता है कि आ, इस एंगल पे चीजें बनाई जाएंगी क्या आपको बहुत दूर से भी लगेगा अरे ये बिल्डिंग तो बड़ी पास है लेकिन जब आप पास जाओगे तो लगेगा अरे अभी भी दूर है अभी भी दूर है अभी भी दूर है ठीक है सो दैट द होल आइडिया ऑफ फोर शॉर्टनिंग तो पूरी की पूरी इमारतें इसी तरीके से बनाई जाती थी ठीक है अच्छा एक दो चीजें और मॉस्क के अंदर मॉस्क के अंदर ये जनरल फैक्ट है, जान लीजिए मॉस्क में मीनार बनाना असेंशियल नहीं है मॉस्क में मीनार बनाना असेंशियल नहीं है ठीक है मॉस्क में मीनार अब हम लोग हम इसे परमानेंट फीचर मान लेते हैं अगर किसी मॉस्क में किसी मस्जिद में अगर मीनार ना हो तो हम उसे मस्जिद ही नहीं मानेंगे लेकिन मॉस्क और मीनार का जो कनेक्टिव जो आइडिया है वो बहुत लेटेस्ट है ठीक है वो सेवनटीन एटीन सेंचुरी में ही सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी में ही डेवलप हुआ है ठीक है और इसके लिए इंडिया में किसको आप रिस्पॉन्सिबल माना सकते हैं शाहजहाँ को ठीक है शाहजहां ने जब जामा मस्जिद बनवाई दिल्ली में ठीक है तब पहली बार मॉस्क में बड़ी मीनारत बनाने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया अब क्योंकि वो शाहजहाँ थे और उनको सिमेट्री पसंद है तो एक मीनार से उनका काम नहीं होता इसलिए उन्होंने दोनों और मीनारें बनवा दी ठीक है अब जब दोनों और मीनारे बन गई और फिर जब ताजमहल बना तो ताजमहल में उन्होंने चार मीनारे बनवा दी और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक्सटेंसिवली एक्सटेंसिवली जो है हर जगह जहाँ भी मस्जिद बनाई गई किसी भी तरीके की मॉस्क बनाई गई वहाँ पे उनके साथ मीनार बनाना लोगों ने शुरू कर दिया बट मीनार वर नॉट अ एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉस्क और ये फीचर अभी मैं आपको समझाऊंगा आप देखेंगे जौनपुर में ठीक है सिरकी डायनेस्टी में जहाँ पर मॉस्क में जौनपुर की जो मॉस्क है बड़ी मॉस्क बड़ी मस्जिद जौनपुर की वहाँ पर आपको मीनार मिलेगी ही नहीं वहाँ कोई मीनार नहीं ठीक है चलिए सो तो अब हम शुरू करेंगे तो मैंने आपको कुछ जनरल फैक्ट्स बता दिए क्योंकि ताजमहल का नाम लिए बिना शुरू करने का मतलब ही नहीं होता है ठीक है आ, इस्लामिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर लेकिन सबसे पहले बात कहाँ से शुरू होगी वहीं दिल्ली सल्तनत से जो मैंने बताया कि एक तरीके से बारह में शुरू हुई ठीक है जब कुतुबुद्दीन नबिक ने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया और दिल्ली सल्तनत को गुर से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया 1526 तक पांच अलग अलग डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत को रूल किया ये सब डायनेस्टीज क्योंकि दिल्ली से गवर्न कर रही थी चीज़ें इन्हें दिल्ली सल्तनत का पार्ट कहा जाता है और इन पाँचों में क्या क्या फ़ीचर्स थे क्या क्या बनाया गया हम उसके बारे में बात करेंगे और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंपीरियल और प्रोविंशियल बेसिस पे हम इन सारी की सारी डिज़ाइन्स को डिवाइड भी कर सकते हैं तो पहले इंपीरियल ये पांचों डायनेस्टीज ने जो भी चीज़ें बनवाई वो थी इंपीरियल तो सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी मेमलोक डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी ठीक है टर्किश वर्ड फॉर स्लेव इज मेमलोक ओके अब इसको इसीलिए मेमलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है इसमें सबसे पहले बनवाया गया कुतुब मीनार जो कि स्टार्ट कराया कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्होंने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनवाया ठीक है ग्राउंड फ्लोर भी अगर आप साइज में देखेंगे तो ये देखो अलग अलग ये देखो ठीक है ये पहला फ्लोर है ये दूसरा फ्लोर है ये तीसरा फ्लोर ये चौथा फ्लोर और ये लास्ट पांचवा फ्लोर ठीक है ठीके? इस तरीके से अब आप साइज वाइज देख सकते हो तो ये पहला फ्लोर जो है ये कुतुबुद्दीन एबिक ने बनवा दिया था और उसके बाद आगे के फ्लो अलतुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक बनते रहे फाइनल आखिरी फ्लोर जो है फिफ्थ फ्लोर ये वाला ठीक है दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई फिरोज तुगलक जिन्हें फिरोज तुगलक के बारे में नहीं पता है वो जान लें फिरोज तुगलक वॉज कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड ही केम टू पावर इन थर्टीन फिफ्टी वन ए डी ठीक है एंड रूल्ड तिल थर्टीन एटी एट ए डी ठीक है सो so, आप देख रहे हैं कि बनवाना शुरू कब किया गया था कुतुब मीनार को 1207 सौ सात में और वो बन के रेडी कब हुआ फिरोज तुगलक के टाइम में मतलब तेरह सौ अस्सी के आसपास तो पूरी के पूरे कुतुब मीनार को बनने में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक है कम से कम एक 170 हंड्रेड ईयर्स का टाइम लग गया ठीक है 170 हंड्रेड ईयर्स का टाइम लग गया तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके आगे देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ठीक है आ, को डेडिकेटेड थी कुतुब मीनार जो मैंने आपको बता दिया इसके बगल में अदर कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार के आसपास कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ठीक है जो कुवैतुल इस्लाम मॉस्क है मेहरोली में वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुराना मॉस्क है इस पीरियड का जो कि गुरीड आर्किटेक्चर का आखिरी स्टैंडिंग एग्जाम्पल है ठीक है गुरीड आर्किटेक्चर का आखिरी स्टैंडिंग एग्जाम्पल है जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मीनारत नहीं होती थी मॉस्क में मीनारत नहीं होती थी मीनार बनाने की जरूरत नहीं थी और ये आप कुवैतुल इस्लाम मॉस्क में देख सकते हैं आपके पास टूम है ये मॉस्क है आपके पास टूम है आगे स्पेस है जहां पे आप बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं लेकिन यहां पे कहीं भी मीनार नहीं दिख रही है ठीक है तो इसलिए मॉस्क मीनार असेंशियल नहीं थी पहले ठीक है समझ में आ गया एग्जाम्पल समझ में आ गया अच्छा अब देखिए अभी क्या पूछा मेमलुक शैली क्या है अरे मेमलुक बताया तो स्लेव डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर होता है स्लेव आर्किटेक्चर उसी को मेमलुक आर्किटेक्चर कहते हैं और उसको बनाने का जो तरीका होता है उसको मेमलुक स्टाइल इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में मेमलुक शैली कहते हैं ठीक है चलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा मॉस्क नजमेर ओके आ, ये अजमेर का मॉस्क है ये भी लास्ट मोमेंट पे एकदम से बनवाया गया वहाँ पे तो ये आपको अलग से पता होना चाहिए अगर आप पूरे के पूरे कुतुब मॉस्क के कॉम्प्लेक्स कौम्प्ले, कुतुब कॉम्प्लेक्स को देखेंगे ठीक है तो वो मैं आपको समझा दूँ क्योंकि इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स को इम्पॉर्टेंट कहा जाता है तो ये रहा आपका कुतुब मीनार नंबर थ्री लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें मेरे एग्जैक्ट पीछे ठीक है उसके एग्जैक्ट सामने कुतुब मीनार के एग्जैक्ट सामने अगर आप देखेंगे तो एक नया मीनार बनाने की तैयारी थी अलाई मीनार और इसको एक्सपेक्ट किया गया था कि अलाई मीनार विल बी डबल द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इट इज़ स्टिल देयर उसको कंप्लीट कभी नहीं कराया जा सका वो आधा ही वहां पे अभी खड़ा है ठीक है और आपको ये कैसे पता चला इट मस्ट बी डबल ऑफ साइज़ डाया से जो बेस का डाया है उसको जब आपने देखा तो वो कुतुब मीनार के बेस के डायामीटर के डबल डाया का साइज़ का है तो उससे आइडिया लगाया गया कि भाई अच्छा अलाई मीनार मस्ट हैव बीन विद द इंटेंशन कि इसको दुगनी साइज़ का बनाया जाए ठीक है चलिए वो कभी बन के रेडी नहीं हुआ कुतुब मीनार वाले कॉम्प्लेक्स में ही अगर आप देखेंगे तो आप अलाई दरवाज़ा देख सकते हैं ये आपका एंट्री गेट है यहाँ से आप अलाई दरवाज़ा देख सकते हैं ठीक है जो बाद में ऐड किया गया ठीक है कुतुब कॉम्प्लेक्स पीछे की ओर यहाँ पे आपको अल्तुतमिश की टूम टूम भी मिल जाएगी अल्तुमिश जिनको नहीं पता है वापस से एक बार प्लीज़ मेडिवल की क्लासेस अटेंड कर लीजिए रिकॉर्डेड सेशन साइड ठीक है और अल्तुमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन एबिक जो बारह सौ दस कुतुबुद्दीन एबिक एंड अल्तुमिश केम टू पावर इन ट्वेल्व हंड्रेड एंड टेन एंड ही पासड अवे इन ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ठीक है कुतुब अल्तुमिश जो थे उनको इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है कि कई बार ये भी कहा जाता है कि रियल फाउंडर ऑफ डेली सल्तनत वॉज नॉट कुतुबुद्दीन एबिक बट अलुतमिश ठीक है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुतुबुद्दीन ऐबिक के बाद कोयतुल इस्लाम मॉस्क भी यहां पे बनवाई गई जो अलतुतमिश की देन थी ठीक है ये आपको अलग से पता होना चाहिए चलिए खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे अब आ, अब देखो आ, एक बार आप देखेंगे कि देखो हुआ क्या यहां पे वापस से एक बार मेडिवल हल्का सा आइडिया कुतुबुद्दीन अबिक के बाद अलतुमिश अलतुमिश की डेथ के बाद अलतुमिश ने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाने की कोशिश की रज़िया का पूरा पीरियड बहुत ही छोटा था 1240 में उनको मार दिया गया और उसके बाद रज़िया के तीन भाई बारी बारी से ठीक है सुल्तान बने और ये तीनों क्या हैं यानि अलतुतमिश के बेटे थे और इसमें से सबसे छोटे वाले थे जो लास्ट में आए बारह में उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम था बलबन और बलबन ने पहले एज अ प्राइम मिनिस्टर काम किया और उसके बाद फिर ट्वेल्व सिक्सटी सिक्स के बाद से उन्होंने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया अब जब बलबन की डेथ हो गई बारह सौ छियासी में ठीक है अब बलबन की डेथ के बाद बलबन के जो बेटे थे वो किंग बने बट ही वॉज नॉट दैट पावरफुल और इसलिए आप देखेंगे कि खिलजी डायनेस्टी बलबन के बेटे को मार के गियासुद्दीन खिलजी ठीक है जलालुद्दीन सॉरी जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के बेटे को मारा एंड ही बिकेम द न्यू सुल्तान इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी शुरू हुई जो कि तकरीबन तकरीबन तीस साल तक चली और खिलजी डायनेस्टी में आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खिलजी डायनेस्टी में आप, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट नहीं देखेंगे क्योंकि खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी का पीरियड जो था वो सिर्फ छः साल का था वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में खत्म हो गए और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए जिनका मेन एम ये नहीं था कि किस तरीके से खिलजी डायनेस्टी को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाया जाए दिल्ली में बल्कि उनका एम ये था कि किस तरीके से खिलजी डायनेस्टी के ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी पे कब्ज़ा किया जा सके पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल भी यहीं पे थी दिल्ली में थी जिसको कहते हैं आप सीरी फोर्ट ठीक है सीरी फोर्ट अलाई दरवाजा ये सारी चीज़ें कुतुब मीनार में कुतुब मीनार के आगे जो अलाई दरवाजा खड़ा खड़ा है वो भी खिलजी डायनेस्टी में बनवा के रेडी किया गया ठीक है इस पीरियड में इस पीरियड में जो डेवलपमेंट हुई जिस तरह के स्टेब्लिशमेंट बनाए गए उनको सेलजुग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है ठीक है और कंस्ट्रक्शन मार्क द यूज ऑफ रेड स्टो सेटो सैंड स्टोन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अच्छा इस चीज़ को अलग से मार्क कर लेंगे क्योंकि रेड सैंडस्टोन जो है वो मुगल पीरियड तक एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था ठीक है एक्सटेंसिवली वो मुगल पीरियड तक यूज़ किया जाता था तो रेड सैंडस्टोन क्या है उसका क्या यूज़ है ठीक है ये जानना बहुत ज़रूरी है तो भाई रेड सैंडस्टोन सबसे पहले कब यूज़ हुआ खिलजी डायनेस्टी में यह आपको सेपरेटली पता होना चाहिए ठीक है Uh, अलाई दरवाज़ा बाई अलाउद्दीन खिलची इन एग्जाम्पल ऑफ आर्क्यूड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आर्क्यूड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखेंगे अगर आप तो आर्क uh, किस तरीके के बने हुए हैं आर्क में दरवाजा जो है वो आपको रेक्टेंगुलर ही मिलेगा लेकिन रेक्टेंगुलर दरवाजे के अंदर आपको एक सेपरेट आर्क मिलेगा ऐसा ठीक है दिस इज कॉल्ड एज आर्क्यूड अगर डायरेक्टली ऐसे कहीं दरवाजा हो तो दैट इज़ नॉर्मल गेट ठीक है लेकिन वो नहीं है यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर दरवाजा है और उसके बीच में आपको आर्क शेप मिलेगा दिस इज आर्क्यूड स्टाइल ओके सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इवॉल्व इन दिस पीरियड ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके चलिए इसके बाद नॉर्मल सी बात तुगलक्स पावर में आगे ठीक है तेरह सौ बीस के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने ठीक है अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटे थे खुशरो उनको मारा और ही केम टू पावर गयासुद्दीन तुगलक पावर में आए और तुगलक के टाइम पे आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी बहुत ही ख़राब हालत में है और इसकी रीज़न क्या है क्योंकि तुगलक के टाइम के जितने भी फोर्ट्स बने थे उनकी हालत इतनी ख़राब थी नहीं तुगलक के टाइम्स के जितने भी फोर्ट थे चाहे वो फिरोज शाह कोटला का फोर्ट हो चाहे तुगलकाबाद फोर्ट हो इन फोर्ट्स से स्टोन्स को निकाल निकाल के मुगलों ने अपने यहाँ मंगवा लिया जब मुगलों ने एक नई शहर बनाया जब शाहजहां ने एक नया शहर बनाया शाहजहाबाद तो शाहजहाबाद की को उन्होंने कहा कि इसका हम एक्सटीरियर वॉल बनवाएंगे अब पूरे शहर का अगर दीवार आप बनवाने की सोचोगे ठीक है जिसको आप पुरानी दिल्ली कहते हो अभी तो उसका अगर पूरे शहर का आप दीवार बनवाओगे ठीक है फोर्ट का नहीं मीनार का नहीं पूरे शहर की अगर आप दीवार बनवाओगे तो बट नैचुरल आपको बहुत सारा स्टोन चाहिए होगा तो ये स्टोन कहाँ से आया तुगलकाबाद फोर्ट और फिरोजा कोटला वाले फोर्ट से मुगलों ने वो निकाल निकाल के पत्थर अपने यहाँ लगवा दिए और इसीलिए ये दोनों फोर्ट्स अभी इतनी बुरी हालत में लगते हैं ठीक है जबकि आप कुतुब मीनार जाएंगे तो आप कहेंगे कह ये तो तब भी ज़्यादा ठीक हालत में है तो क्या तुगलक्स के कॉन्ट्रैक्टर करप्ट थे उन्होंने गारा मिट्टी मिला के बना दिया क्या किया था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था ये फोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इन फोर्ट्स की हालत ख़राब हो गई है ब्लेम शाहजहान फॉर इट ठीक है चलिए तुगलक डायनेस्टी के बारे में आ, हम जानते हैं कि भाई तुगलक डायनेस्टी जो है वो पूरी की पूरी एक तरीके से क्राइसिस के पीरियड में शुरू हुई थी क्राइसिस के पीरियड में शुरू हुई और तुगलक डायनेस्टी ने बहुत सारी क्राइसिस देखी पहले क्राइ उसका उसका ये कहानी क्यों बता रहा हूँ ये आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है पहले को हमेशा से डर था कि मंगोल्स का अटैक हो जाएगा और बाद में को डर था कि टर्क्स का अटैक हो जाएगा और एक तरीके से आप देखोगे कि नजीमुद्दीन तुगलक वाज़ इन पावर ठीक है जब आप देखोगे 1398 में आप देखोगे आमिर तैमूर इंडिया पे अटैक भी करेंगे दिल्ली पे तो अटैक होने वाली जो भी सल्तनत हो जिसको हमेशा ही थ्रेट बना रहा है कि आपके ऊपर वेस्ट की तरफ से अटैक होगा आप अपने फोर्ट्स को मजबूत बना लोगे आप आर्किटेक्चरल में डिज़ाइनिंग के बारे में बात नहीं करोगे आप उसको सुंदर दिखाने के बारे में ध्यान नहीं दोगे आप ध्यान दोगे कि किस तरीके से ऐसा बना दें कि इट विल बी एबल टू स्टैंड द इनकमिंग आर्मी ये आपका मेन एम होगा एंड दैट इज़ विजिबल इन ऑल द फोर्ट्स टू बी वेरी स्पेसिफिक इन तुगलकाबाद फोर्ट अगर आप तुगलकाबाद फोर्ट को देखोगे तो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसलिए इनकी दीवारें इतनी चौड़ी चौड़ी हैं इसलिए ये किले जो हैं ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे इंक्लाइन है इस पर कोई डिजाइनिंग का काम नहीं किया गया है द इंटेंशन इज कि इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंदन किया जाए इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स ठीक है सो दैट इज समथिंग अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड फोकस वॉज मोर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग ठीक है बैटर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम वॉट इज द बैटर सिस्टम अगेन अंडरस्टैंड कि मान लीजिए ये आपकी किले की वॉल है ठीक है और ये आपके किले की वॉल है ठीक है तो इसको सिर्फ ऐसे स्लान्ट नहीं बनाया जाएगा इसको इस तरीके से बना ठीक है ये स्लान्ट होती है पहले किले की, की वॉल अब किले की वॉल को स्लांट नहीं रखा जाएगा अब किले की वॉल को एकदम स्ट्रेट बना दिया जाएगा और स्ट्रेट बना के इधर से ऐसे करके और फिर ऐसे कर दिया जाएगा अब ये कहोगे ये क्या मतलब है क्योंकि लोगों का कहना है कि आप स्ट्रेट वॉल पर भी चढ़ सकते हो लेकिन आप अगर स्लान्ट जब चढ़ना शुरू करोगे तो इस तरफ जो ठीक है इस तरफ एक मचान बना के जो उनका सैनिक खड़ा है विल बी एबल टू अटैक यू ठीक है आप क्या करोगे हर जगह जो टॉप बॉर्डर एरिया है उसको आप इस तरीके से देखोगे ठीक है ठीक है पूरे का पूरा आगे की ओर स्लांट होता था ठीक है सो दैट इज कॉल्ड एज अ बैटर सिस्टम ये जितने भी आगे के वॉल्स है ठीक है यहां पर वॉल्स है ये आगे की ओर हल्का सा झुके हुए ठीक है स्लान्टेड दिस इज कॉल्ड इज द बैटर सिस्टम मेकिंग श्योर कि अगर स्लोपिंग वॉल रहेगी तो किसी का अटैक होगा वो कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा तुगलकाबाद फोर्ट जहाँ पना फिरोजाबाद का फोर्ट ठीक है सारी की सारी स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से बनाए गए हैं ठीक है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये बता रहे कि फिरोज शाह कोटला ठीक है सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड नहीं है फिरोज शाह जो हैं वो किंग थे फिरोज शाह तुगलक के नाम पर फिरोज शाह ने अपना देखो Uh, एक अलग सा शहर बनाया था एक अपना अलग सा किला बनाया था जहाँ से वो ऑपरेट करते थे दैट वॉज कॉल्ड एज फिरोज शाह कोटला और इट वॉज अ फोर्ट ओके चलिए इसके बाद हम लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे ठीक है और उसके बाद हम जौनपुर डायनेस्टी को करके तब हम आज की क्लास खत्म करेंगे लोधी डायनेस्टी के टाइम दिल्ली में आपको बहुत सारे फोर्ट्स पहले तो लोधी डायनेस्टी की आपको एकमात्र ऐसी डायनेस्टी है जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया दैट दे आर अफगान्स दे आर अफगान दे आर नॉट टर्किश दे आर अफगान और लोधी डायनेस्टी की सबसे बड़ी बात यह होती कि लोधी डायनेस्टी के जो सबसे फेमस किंग uh, थे सिकंदर लोधी ठीक है उनकी टूम उनकी टूम है लोधी गार्डन में दिल्ली के बीच में ठीक है पहले तो वो टूम ही था टूम के अलावा जो कब्रें थी उनकी उसके चारों ओर गार्डन बना दिया गया एंड दैट इज कॉल्ड इज अव लोधी टूम ओनली टूम वर्क कमीशन ड्यूरिंग द पीरियड ठीक है ऐसा कहा जाता है अगर आप पुराने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि इस समय एक फैशन बन गया था कि हर एक अमीर आदमी कोशिश करता था कि भाई मेरे मरने के बाद एटलीस्ट मेरे लिए टूम बना दिया जाए मेरे लिए एक बड़ा सा ग्रेवयार्ड बना दिया जाए ओके और डबल डोम्स का कॉन्सेप्ट भी इसी समय डेवलप किया गया डबल डोम्स क्या होते हैं डबल डोम्स का मतलब है कि एक आप ऊपर डोम देख रहे हैं और इसके अंदर एक और डोम होता है ठीक है ये जो कॉन्सेप्ट है ठीक है ये और नीचे जो है ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा तो अच्छा हल्का सा डोम है ऊपर बाहर से देखेंगे तो कि इतना बड़ा डोम क्यों हो गया क्योंकि देर इज अ डबल डोम डबल डोम का बेनिफिट ये होता था कि ये आर्किटेक्चरली पूरी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन कर देता था ठीक है सिंगल डोम बनाने में हमेशा खतरा रहता था, था कि ये बिल्डिंग नीचे की ओर धस सकती है गिर सकती है डबल डोम में ये डिफिकल्टी खत्म हो जाती थी ठीक है सो डबल डोम का आइडिया जो है वो लोधी डायनेस्टी में ही डेवलप किया गया सिटी का बेस आगरा था ठीक है सिकंदर लोधी का लेकिन लोधी गार्डन जो दिल्ली शहर में है ठीक है पे ऑल द द द रिच ऑफ आर देयर ओके सो दैट इज इंपॉर्टेंट प्लेस टू बी चलिए इसके बाद हम प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में थोड़ा सा मूव करेंगे और हम सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर के अटाला मॉस्को जिसको बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है जौनपुर में अच्छा जौनपुर की जो अटाला मॉस्क है अगेन इसमें आप देखेंगे तो आपको एक सामने एक ब्रिक्स का फसाद दिखाई देगा ठीक है इसमें आपको कहीं भी पिलर नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे कोई भी आपको मीनारत, पिलर इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देंगे यहां पे आपको नॉर्मल एक फसाद दिखाई देगा ब्रिक्स का दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मॉस्क तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि ना ही मिनारत ना ही आपके ऊपर का जो बल्जिंग शेप होता है ठीक है जिसको आप डोम कहते हैं इसमें से कोई भी चीज़ असेंशियल नहीं है ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बनाएंगे तो इट विल वॉन्ट बी कॉल्ड अ मॉस्क ठीक है मॉस्क आप किसी भी शेप पे बना सकते हो अच्छा ये वही रिलैक्सेशन है जो कि अब शायद आपको ना मिले बैक इन दे वो आपको मिल जाता है क्योंकि मॉस्क जो है उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ओवर द पीरियड मिलना बंद हो गई हैं ठीक है थीके? पहले आप बना सकते थे किसी भी बिल्डिंग को किसी भी शेप का अब वो फैसिलिटी नहीं मिलती है ओके okay? चलिए जौनपुर स्कूल थर्टीन फोर नाइन्टी फोर से फोर्टीन सेवेंटी नाइन के बीच में ठीक है यहाँ के जो रूलर्स थे देवर कॉल्ड सरकी रूलर्स ठीक है मिनास एकदम नहीं मिलेंगी यूज ऑफ बोल्ड एंड फोर्सफुल कैरेक्टर पेंटेड ऑन ह्यूज़ स्क्रीन इन अ सेंट्रल एंड साइड बेस ओके सबसे एग्जाम्पल इसका बड़ा है अटाला मॉस जौनपुर में ओके और जो प्रोविंशियल स्कूल्स हैं वो भी देख लीजिए बंगाल बंगाल स्कूल बारह से पंद्रह तक चला अच्छा बंगाल के जो लोकल रूलर्स थे उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया नहीं ठीक है दिल्ली सल्तनत के टाइम में किसी ने ठीक है बिहार के अफगानों से कोई जीत नहीं पाता था तो आगे जाने की बात ही खत्म हो जाती है और जब लोधी आए तो उनके रिलेशन अच्छे बने हुए थे सूड डायनेस्टी वाले आए उनके रिलेशन अच्छे बने हुए थे बंगाल के साथ तो कभी बंगाल पर किसी ने कैप्चर नहीं किया और इसीलिए आपको यहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस कम दिखेगा और इंस्टेड ऑफ़ दैट ठीक है आपको बांग्ला रूफ काफ़ी ज़्यादा दिखेगी बांग्ला रूफ क्यों क्योंकि रेन बहुत रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है इसलिए एक कर्वीलिनियल स्ट्रक्चर बनाया गया ठीक है इस तरह का कर्वीलिनियल स्ट्रक्चर बनाया गया एंड दैट वॉज कॉल्ड एज अ बांग्ला रूफ ठीक है और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे ठीक है सो बांग्ला रूफ बहुत ज़्यादा मिलेगा यहीं से आपका वो बंगलो वाला वर्ड भी पूरा डेवलप हुआ उसके बारे में मॉडर्न जब आर्किटेक्चर में आएंगे वहां पे बात करेंगे ठीक है अडीना मॉस्क पंडुआ में और कदम रसूल मॉस्क गूर में ये दो इंपॉर्टेंट मॉस्क हैं जिनका डिजाइन जो है वो बांग्ला स्टाइल में हुआ है ये बांग्ला स्टाइल के लिए जो ऊपर का बांग्ला रूफ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए ये रूफ इसलिए बनाया जाता है ताकि रेनफॉल में वाटर ऊपर इकट्ठा ना हो पाए ठीक है समझ में आ गई बात चलिए इट्स नेचुरल डिफेंस इंकरेज कंसिस्टेंट हैबिटेशन बाई परमार परमार रूलर्स ठीक है परमार रूलर्स के टाइम पे जहाज महल जो था वो एक शिप के शेप का था और जहाज महल की खासियत ये है मांडू वाला कि देखिए अगर आप जहाज महल पे आगे खड़े हैं बालकनी में तो आ, आपके तीन तरफ लेक है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक शिप के अंदर खड़े हैं एक पानी के जहाज के अंदर खड़े हैं और वो मूव कर रहा है एंड दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड अ जहाज महल ठीक है ये गियासुद्दीन खिलजी नहीं बनाने का ऑर्डर दिया था ठीक है और बान के ये बंगाल वाले टाइम पे ख़त्म हुआ था ओके चलिए इसके बाद बीजापुर स्कूल है जो आदिल शाह ने बनाया था और इसको समझाने से पहले क्योंकि थोड़ा सा आगे चौदह सौ नब्बे के बाद का है तो इसको समझाने के पहले आई एल जस्ट गो थ्रू इन बिट मोर डिटेल आई एल गो इन टू अ बिट मोर डिटेल ओके एंड दैट इज समथिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास सो वी विल लीव है